हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का चैप्टर करने जा रहे हैं, सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इन केस ऑफ शेयर्स विच आर कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, द वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेली लिस्ट ऑफ प्राइजेस पब्लिश्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लगे हुए हैं, यानी उनका रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज में हो रखा है, तो जो भी उनके प्राइसेस होते हैं वो तो डेली लिस्ट में से अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर प्राइसेस नहीं रखे जाते, या फिर बार बार जो है प्राइसेस की वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है, प्रॉपर वैल्यू का पता नहीं चल पाता, कभी तो बुलिश पीरियड है कभी बेयरिश पीरियड है, तो इस वजह से जो वैल्यू होती है सेम शेयर्स की वो डिफरेंट प्राइजेस पर दिखाई देती है। तो स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू बताए, एग्जैक्ट वैल्यू बताए शेयर्स की, तो इस वजह से यहाँ पर अगर हमें फेयर और इक्विटेबल बेसिस पर वैल्यूएशन करनी है शेयर्स की, तो शेयर्स को वैल्यू करने के लिए कुछ एक्सपर्ट वैल्यूअर ने कुछ अलग अलग मेथड्स बताए हैं कि जिसकी वजह से जो शेयर्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोटेड भी नहीं हैं, वहाँ पे रजिस्टर्ड भी नहीं हैं, तो उनकी भी वैल्यू आसानी से की जा सके। जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, इन एनी केस विल नॉट बी कोटेड, यानी प्राइवेट कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोट नहीं किया जाता, रजिस्टर नहीं कराया जाता। इफ़ देयरफॉर शेयर्स ऑफ सच कंपनी आर टू बी सोल्ड और प्लेस्ड, अगर इस केस में भी अगर उन कंपनी के जो शेयर्स हैं अगर उनको सोल्ड कर लिया जाए या उसको गिरवी रखा जाए, प्लेस पे रखा जाए, तो उस केस में वैल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि उस स्टॉक की क्या वैल्यू चल रही है उस दिन या उस डे पर, मार्केट प्राइस क्या है उस स्टॉक का, उस शेयर का, ठीक है। ऑल्सो वेरियस टैक्स लॉस हैव मेड फॉर स्पेसिफिक प्रोविजंस, बहुत सारे टैक्स लॉस बने हैं ये बताने के लिए कि हम किस तरह से वैल्यू कर सकते हैं शेयर्स के, किस तरह से निकाल सकते हैं वैल्यू। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो है अकाउंटिंग में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कोई ये एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसके कोई रिजिड फॉर्मूले नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो भी सिचुएशन होती है, जो भी सर्कमस्टांसिस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जजमेंट की जाती है और ये देखा जाता है कि किस मेथड से स्टॉक की वैल्यू को निकाला जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू B.S. कोथरी द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, कैन नॉट बी रिड्यूस टू रिजिड रूल्स और फार्मूला, कोई रिजिड रूल नहीं है, कोई रिजिड फार्मूला नहीं है। द वैल्यूएशन ऑफ 2% हार्डली एग्रीस, ये हो सकता है कि जो 2% है उनकी वैल्यूएशन एग्री कर जाए, ये भी बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिफिकेंस हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस हैं इन द वैल्यूएशन मेड बाय वैल्यूएशन डिफरेंट वैल्यूअर्स एंड द टैक्स अथॉरिटीज़, जो डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या वैल्यूअर्स हैं वो अलग अलग तरीके से उनकी वैल्यू को निकालते हैं, तो इन कन्वेंशंस की वजह से कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए गए कि किसी ना किसी एक बेस पर जजमेंट की जाए, ठीक है, ऑन विच वी कैन बेस आर जजमेंट, कि हम जो हैं अपनी जजमेंट को एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक बेस बना सकें, मैच करा सकें। अब यहाँ पर नीड और पर्पस क्या है वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्यों किया जाता है। अगर मान लो शेयर्स किसी भी तरह से गिफ्ट में रिसीव हुआ है और आपने उस टाइम पर उसकी वैल्यू जानी है कि उस शेयर की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू निकालने का वहाँ पर नीड हो जाती है, ये पर्पस होता है कि हम जान सकें कि उस शेयर की मार्केट वैल्यू उस टाइम पर क्या है, ठीक है। अगर कोई पर्सन डाई हो जाता है और अपने शेयर छोड़ जाता है, तो उस केस में उसके शेयर्स जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ये जानता है, जानने की कोशिश करना चाहता है कि इसके शेयर की वैल्यू क्या है, अगर वो उसको सोल्ड करता है या अपने पास रखता है तो उसको कितना बेनिफिट होगा, तब भी नीड पड़ जाती है वैल्यूएशन की। फॉर द असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स, अगर वेल्थ टैक्स का असेसमेंट करना है तो भी ज़रूरत पड़ जाती है शेयर की वैल्यू को फाइंड आउट करने की। फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज एंड अदर अनकोटेड शेयर्स, यहाँ पर ये बोला है कि अगर हमें किसी भी तरह के प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को परचेज या सेल करना है, तो उस केस में प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कोटेड तो होते नहीं हैं, तो उस केस में हमें जो है शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और अदर अनकोटेड शेयर, अगर कोई ऐसे शेयर्स हैं जिन
जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर कोटेड नहीं है। अगर उनकी वैल्यू की ज़रूरत है तो भी हमें नीड पड़ती है कि किस तरह से हम जो है शेयर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर फॉर्मुलेटिंग अमलगामेशन एंड इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम, अगर हमें किसी भी तरह का अमलगामेशन कर रहे हैं या इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम्स हैं तो उनको फॉर्मुलेट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कितनी वैल्यू है निकालने के लिए। वेन शेयर्स आर प्लेज, अगर शेयर जो हैं गिरवी रखे हुए हैं एज ए सिक्योरिटी ऑफ लोन की सिक्योरिटी के लिए, तो उस केस में हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी शेयर्स की, तब नीड पड़ेगी। फिर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल टू डिसेसेंट शेयर होल्डर्स एट अ टाइम ऑफ अमलगामेशन, अब यहाँ पर ये बोला है अमलगामेशन के केस में अगर हमें किसी शेयर होल्डर की पेमेंट करनी है तो उस केस में भी ये देखा जाएगा कि उनकी वैल्यू के शेयर्स क्या हैं, या किसी पर्सन को रिटेन रखना है उस अमलगामेट कंपनी के अंदर जो पुराने शेयर होल्डर्स थे उनको ही रिटेन रखना है, तो उस केस में भी वैल्यू देखनी पड़ेगी कि उनके शेयर्स की क्या वैल्यू है। फॉर कंपेंसेटिंग द शेयर होल्डर्स वेन द कंपनी इज नेशनलाइज, अगर कंपनी टेक ओवर हो रही है, नेशनलाइज का मतलब होता है टेक ओवर, अगर कंपनी टेक ओवर हो रही है तो उस केस में कितना कंपेंसेट किया जाएगा शेयर होल्डर्स को, तो तब भी हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है शेयर्स की, ठीक है। फिर इन्होंने बोला वेन शेयर ऑफ वन क्लास, अगर जब वन क्लास के शेयर को कन्वर्ट कर लिया जाएगा किसी दूसरे अनदर क्लास के शेयर के अंदर, तो उस केस में भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि फर्स्ट क्लास की वैल्यू क्या है और अदर क्लास की वैल्यू क्या है, सेम क्लास के शेयर्स के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे। सो इसका एग्जांपल इन्होंने दे रखा है अगर प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्टी और एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर ट्रस्ट जो है ट्रस्ट के द्वारा या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कोई शेयर हेल्ड कर रखे हैं या उनको हेल्ड करने हैं, तो उस केस में भी जो है वैल्यू निकालनी पड़ती है शेयर्स की कि उन्होंने कितने अमाउंट के शेयर्स को हेल्ड कर रखा है, ठीक है। फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को, पहला है प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की कितनी प्रेजेंट अर्निंग है, एवरेज प्रॉफिट वो कितने अर्न कर रही है पास्ट के अंदर, हाईएस्ट और लोएस्ट प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट, कितने हाईएस्ट प्रॉफिट उसने अर्न किए हैं पास्ट के अंदर या कितने लोएस्ट प्रॉफिट अर्न किए हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड पर, ठीक है, ये प्रेजेंट अर्निंग्स देखनी पड़ेंगी कंपनी की, उसी हिसाब से वैल्यूएशन होगा शेयर्स का। प्रॉफिट कितना बचता है टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद, रिसेंट कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसने कंपनी के प्रॉफिट्स को अफेक्ट किया है, ठीक है। द यील्ड और रिटर्न्स फ्रॉम सिमिलर कंपनीज, अगर हमें वैल्यू करना है शेयर्स का, ये भी डिपेंड करता है कि डिविडेंड यील्ड पर भी डिपेंड करता है। डिविडेंड यील्ड से क्या होता है कि इन्वेस्टर ये है कि ये देखता है कि हमारी जो कंपनी है जिस कंपनी में उसने इन्वेस्ट कर रखा है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंपनी जो कि सेम इंडस्ट्री है, वो उसमें ये देखेगा कि उनको कितना नॉर्मल रेट मिल रहा है और मार्केट में कितना नॉर्मल रेट प्रिवेल है, ठीक है। तो इस वजह से भी वैल्यूएशन करनी पड़ती है शेयर्स की कि हमें कितना मिल रहा है और मार्केट में कितना रेट मिल रहा है, तो वो देखेगा कि कितना वैल्यू ऑफ शेयर्स है मेरा। द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है, अगर जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं तो उनका जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो डायरेक्टर्स के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। सो इसमें डायरेक्टर्स जो हैं वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो जो है वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक का। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बल्क में हैं, जिन्होंने 20-25% के शेयर्स अपने पास रख रखे हैं, और वो फिर जो है उसमें डायरेक्टर्स नहीं करेंगे, ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये क्योंकि इनको डिविडेंड रेट जो है वही इन्फ्लुएंस करेंगे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं कंपनी के, तो वो जो है अपना डिविडेंड रेट बढ़वा सकते हैं। एंड देयरफॉर फॉर देम टोटल प्रॉफिट, यहाँ पर जो है उनके लिए टोटल प्रॉफिट मायने रखता है कि अगर उनका टोटल प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा होगा तभी वो डिविडेंड का रेट इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर उनके लिए क्या ज़रूरी है, टोटल प्रॉफिट। लेकिन स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए डायरेक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही वैल्यूएशन करेंगे और वही डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड, बिकॉज उन्होंने स्मॉल इन्वेस्ट कर रखा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी हैं। लेकिन जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं तो वो दूसरे कंपनी के जो पर्सनस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हमारा डिविडेंड रेट बढ़ाया जाए अगर टोटल प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल रेशियोस, कंपनी की साउंड फाइनेंशियल रेशियो होनी चाहिए, यानी आपकी करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये जो है इन्वेस्टर्स के फेवर में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो शेयर्स हैं रेपुटेड कंपनीज के
उनकी मैनेजमेंट भी एफिशिएंट होनी चाहिए और गुड वैल्यू, अगर उनकी एफिशिएंट मैनेजमेंट है, रेप्यूटेड कंपनी की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, तो नॉर्मल सी बात है जो उनकी वैल्यू होगी शेयर्स की वो ज़्यादा ही होगी। तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है कि शेयर्स की वैल्यू कितनी जाएगी। अगर जैसे फाइनेंशियल रेशियोज़ की बात है, अगर उनकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा पैसा मिल रहा है, उनको डिविडेंड टाइम से मिल रहा है, डिविडेंड भी अच्छे रेट पर मिल रहा है, तो इस केस में जो वैल्यू होगी शेयर्स की वो भी हाई होगी। ठीक है, फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम स्पेशल इंसेंटिव्स निकालती है किसी न किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए, कभी ना कभी कंसेशंस दे देती है। ठीक है, कि अगर कोई बिजनेस बैकवर्ड रीजन में खोलेगा तो उसको इतना टैक्स रेट नहीं भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरना पड़ेगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी अलग से मिल जाएगी, इस तरह से कुछ ना कुछ कंसेशन निकालती रहती है। तो इससे भी क्या होती है, जो वैल्यू होती है शेयर्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है। अगर शेयर्स पार्टली पेड हैं या फुली पेड हैं, इन्वेस्टर टेक अ नेगेटिव व्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर। अगर फुली पेड शेयर्स हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर पार्टली पेड शेयर्स हैं तो वैल्यू डिक्रीज होगी। डिमांड एंड सप्लाई फॉर द शेयर्स, अगर डिमांड ज़्यादा है और लेकिन सप्लाई कम है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो वैल्यू कम होगी शेयर्स की। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं कंपनी के, बहुत पुराने कुछ रिजर्व पड़े हुए हैं, तो उससे भी जो है शेयर्स की वैल्यू अफेक्ट करती है। फिर नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्टस ऑफ बोनस और राइट इशू। अगर कंपनी राइट इशू या बोनस इशू करती है तो भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पर इफेक्ट पड़ेगा। नेट टेंजिबल असेट ऑफ द कंपनी, ये भी इफेक्ट डालेगी। बिजनेस का नेचर कैसा है ये भी डालेगा, कितना कॉम्पिटिशन है मार्केट के अंदर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है कंपनी का, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इंडस्ट्री का इन विच अ कंपनी इज इंगेज्ड, एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है कंपनी के ऊपर। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है कंपनी के अंदर, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के केस में जो शेयर्स की वैल्यू होगी वो कम होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है तो वैल्यूएशन जो है शेयर्स की वो ज़्यादा होगी। फिर है पोजीशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री। कंट्री के अंदर कितनी पीस है, कितनी सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है सच एज फियर ऑफ नेशनलाइजेशन। सो इस तरह की जो भी फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं वैल्यू करने का, कि किस तरह से हम जो है शेयर्स की वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल की वैल्यूएशन करना जिस हिसाब से ज़्यादा इफेक्ट जो है डालता है, ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन तो मेथड्स बता रखे हैं उनसे हम लोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मेथड्स के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कौन कौन से मेथड है वैल्यू करने के लिए, नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड, यील्ड मेथड के अंदर डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी मेथड है, ठीक है, और एवरेज मेथड। मेनली इनको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। यील्ड मेथड को दो पार्ट में यहाँ डिवाइड तो करके दिखा रखा है, लेकिन मेनली फोर मेथड्स होते हैं, नेट एसेट मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड और एवरेज मेथड। फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो है नेट एसेट मेथड। इस मेथड को हम ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, एसेट वैल्यूएशन मेथड भी बोलते हैं, एसेट बैकिंग मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जितने भी नेट एसेट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और ये जो नेट एसेट होती हैं इन नेट एसेट के अंदर जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उनमें से प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस कर दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल्स हैं उनके जितने भी क्लेम्स हैं वो माइनस कर दिए जाते हैं, और अदर जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो माइनस कर दी जाती हैं। फिर हमारी नेट एसेट निकल जाती है, फिर जितना भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर नेट एसेट निकालने के दो मेथड बताए हुए हैं, जो भी एसेट मार्केट प्राइस पर है वो लिखेंगे, बुक वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे, मार्केट प्राइस वाली वैल्यू लेंगे। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, इनमें से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करनी है, लाइक डिबेंचर, ट्रेड पेबल्स एंड अदर लाइबिलिटीज़, और लास्ट में प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को माइनस करना है। फिर जो भी वैल्यू आएगी नेट एसेट की वो अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि प्रेफरेंस की शेयर कैपिटल हमने माइनस कर दी। फिर इसमें से हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी शेयर्स की। ठीक है,
सेकेंड मेथड है नेट एसेट इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट माइनस करेंगे जितने भी लॉसेज हैं या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड जो है सेम है, इनसे आंसर सेम ही आएगा। और जो भी आंसर आएगा किसी भी मेथड से निकालोगे नेट एसेट तो सेम ही आएगा, और जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर देना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर देना है, तो हमारी जो है ईच शेयर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें ध्यान रखने होंगे जब हम नेट एसेट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। प्रिकॉशंस इन वैल्यूइंग ऑफ एसेट्स, यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू लेनी होगी क्योंकि बुक वैल्यू जो है अनरियलिस्टिक हो सकती है, तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी या रियलाइजेबल वैल्यू होगी उसी को आपने लेना है। अगर आप रियलाइजेबल वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो ये ध्यान रखना है जो भी बुक वैल्यू आई है वो आपका हमेशा आफ्टर चार्जिंग एडिक्वेट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद वाली बुक वैल्यू होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट प्रोविजन लेना है लाइक बैडफुल एंड डाउटफुल डेट जो भी सेंट्री डेटर्स के होते हैं। उसके बाद जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स हैं जो आपको दिखाई जाती हैं मिसक्लेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर, उनको इग्नोर करना है लाइक आपकी शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, इनको आपने इंक्लूड करना है चाहे इनको बैलेंस शीट में दिखाया गया हो चाहे इनको बैलेंस शीट में ना दिखाया गया हो, तब भी आप इसको इंक्लूड करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, गुडविल हो गई हमारी, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए और कॉपीराइट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद प्रिकॉशंस इन वेल्विंग द लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं चाहे वो बैलेंस शीट में दिखाई गई हैं चाहे वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई गई हैं, उन सबको आपने लेना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और जो भी अप्रोप्रिएट अमाउंट होगा कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ का उनको भी लेना है। एडिक्वेट प्रोविजन बनाना है टैक्सेशन का, और यहाँ पर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को निकालने के लिए जितने भी क्लेम्स होंगे शेयर होल्डर्स के उनको भी नेट एसेट में से डिडक्ट करना है। अब इनके डीमेरिट्स क्या हैं, ये जो मेथड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिक्विडेशन के बारे में बताता है। सिंस द कंपनी इज ट्रीटेड एज अ गोइंग कंसर्न की तरह ट्रीट करती है, तो यहाँ पर लिक्विडेशन का नियरर फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ये जो है बहुत दूर है रियलिटी से, क्योंकि हर बार वैल्यू करेगी कि हाँ अगर लिक्विडिटी आ गई तो इस केस में अगर हमें लिक्विडेशन करना पड़ा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना बनेगा, तो ये हर बार निकालती है, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है क्योंकि जो कंपनीज हैं वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती हैं। ठीक है, तो ये रियलिटी से बहुत अलग है। ये जो मेथड है ये कंसीडरेशन में नहीं लिया जाता। अगर जो कंपनी के अर्निंग जो प्रॉफिट्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं होता, यानी जो प्रॉफिट्स हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स पर फोकस नहीं होता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट, यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या बात हो जाती है कि मार्केट वैल्यू को कैसे एस्टिमेट करें, यहाँ पर जो है पर्सनल बायस का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर है कि ये जो मेथड है ये बिल्कुल बहुत सारे अदर फैक्टर्स को इग्नोर करता है। सच फैक्टर्स आर लाइक फाइनेंशियल रेशियोज, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, नेचर क्या है बिजनेस का, गवर्नमेंट पॉलिसी, इन सारे फैक्टर्स को इसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। इसका पर्पस क्या है और कहाँ पर ये अप्रोप्रिएट है, वेयर रिलायबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी इज नॉट अवेलेबल, यहाँ पर जो है अर्निंग कैपेसिटी जो है कंपनी की अवेलेबल ना हो उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो, इन केस ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी, अगर कोई न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी है तो वहाँ पर ये मेथड जो है अप्रोप्रिएट है। वेयर द कंपनी इज कॉन्टिन्यूसली इनकरिंग लॉसेस, जहाँ पर कंपनी जो है बार बार लॉसेस को ही सफ़र कर रही है, उसके पास कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है कि वो आगे नियरर फ्यूचर में अर्निंग्स करेगी, सो उस केस में ये मेथड, इन सच अ केस यील्ड मेथड वुड प्रोड्यूस अ नेगेटिव वैल्यू, तो यील्ड मेथड जो है नेगेटिव वैल्यू शो करेगा लेकिन ये मेथड जो है पॉजिटिव वैल्यू शो कर सकता है। ठीक है, वेयर अ स्कीम ऑफ अमलगामेशन इज टू बी फॉर्मुलेटेड, अगर हमें अमलगामेशन की स्कीम फॉर्मुलेट करनी है या लिक्विडेट होना है कंपनी का, या अगर हमें बहुत सारे जो टैक्स के लॉज हैं उनके प्रोविजंस को ध्यान में रखना है तो उस केस में ये मेथड आपकी हेल्प करेगा, वहाँ पर ये अप्रोप्रिएट होगा। अब यहाँ पर है डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर, अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो इसमें क्या करेंगे कि जितने भी आपकी टोटल अमाउंट की नेट असेट आई है, ठीक है, अब आप मान लो कि आपके पास जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 1 कैटेगरी के शेयर्स हैं 10 रुपये के 8 ईच और 10 रुपये के 5 ईच, तो आपने जो पेडअप शेयर्स हैं उनके यानी 8 रुपये और 5 रुपये, इन पेडअप शेयर को ऐड करना है, 8 और 5 को ऐड करके
यहाँ पर नेट एसेट से डिवाइड कर देना है तो यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में क्या बोला है, जो भी पेड अप वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उस यूनिट वैल्यू ऑफ कैपिटल से, जिससे आपकी वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स यहाँ पर आ जाएगी हर एक कैटेगरी की। यानी ये जो निकल कर आएगा इसको आपने पेड अप वाले से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी। अब मेकिंग द नोशनल कॉल, यहाँ पर क्या होता है, जब फेस वैल्यू जो होती है डिफरेंट कैटेगरीज की वो सेम है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरीज के इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनके जो कुछ अनकॉल्ड अमाउंट होते हैं या पार्टली पेड जो अमाउंट होता है उसकी वजह से उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। फिर जो कंपनी है वो क्या करती है, उसको फुली पेड अप शो करना चाहती है तो उसके लिए वो कंपनी जो है रिमेनिंग अमाउंट के जो शेयर्स हैं वो ये चाहती है कि वो इमीडिएट फ्यूचर में उनको क्या कर ले, फुली पेड अप कर ले। अब वो फुली पेड अप एक्चुअल में नहीं करती, वो क्या करती है, कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए एक नोशनल कॉल नाम का वर्ड यूज़ करती है। यानी एक्चुअल में उनको कॉल नहीं करती उन शेयर होल्डर्स को, लेकिन ये दिखाती है कि मेरे अगर फुली पेड अप शेयर्स हो जाएंगे तो मेरे जो वैल्यू है शेयर्स की वो इतनी हो जाएगी। तो एक्चुअल में तो कॉल नहीं करती, तो जब वो फुली पेड बना देती है अपने शेयर्स को तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोशनल कॉल। ठीक है, अब अगर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं बैलेंस शीट में गिवन हो तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट होता है कैपिटल लेने का और जो भी उनके डिविडेंड्स होते हैं वो लेने का, और इनके पास प्रेफरेंस राइट होता है यानी पहला राइट होता है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वो सारी पेमेंट ले लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी एसेट हैं जो भी कैपिटल है और जो भी डिविडेंड बनता है शेयर्स का उसको माइनस कर देते हैं नेट एसेट में से, जिसकी वजह से फिर वैल्यू निकाल सकते हैं हम इक्विटी शेयर की। अब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड डिफरेंट कंडीशंस दे रखी है। नॉर्मली जो कैपिटल और डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, नेट एसेट में से डिडक्ट कर देते हैं और उससे क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं इक्विटी शेयर की। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स के पास प्रायोरिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की पेमेंट प्रायोरिटी में ले लेगा, यानी प्रेफरेंस सबसे पहले कैपिटल की पेमेंट ले सकता है, तो इस केस में जितना भी कैपिटल बनेगा ना कि प्रेफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सिर्फ प्रेफरेंस कैपिटल ना कि प्रेफरेंस डिविडेंड, उनको डिडक्ट कर देंगे अमाउंट ऑफ नेट एसेट में से। नेट एसेट में से क्या डिडक्ट करेंगे, इसमें नेट एसेट में से हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल इस केस में क्या होगा, इनके पास प्रायोरिटी है कि वो पेमेंट जो है डिविडेंड की ले सकते हैं ना कि प्रेफरेंस कैपिटल की, तो इस केस में जो प्रेफरेंस डिविडेंड है पहले उसको डिडक्ट कर देंगे अमाउंट ऑफ नेट एसेट में से, यही करेंगे। यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, और फिर जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, बैलेंस नेट एसेट बचेगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे प्रेफरेंस और इक्विटी की उस रेशियो में जहाँ पे उनकी पेड अप कैपिटल है। यानी पेड अप कैपिटल की रेशियो में प्रेफरेंस और इक्विटी का शेयर निकाल लेंगे उस बैलेंस नेट असेट का, फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी शेयर आया है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, इससे क्या निकल कर आ जाएगी, वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर, और जो भी अमाउंट उनके लिए अवेलेबल होगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जिनकी उनकी क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर्स। पहले क्या करना है, नेट एसेट में से माइनस करना है प्रेफरेंस कैपिटल, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड की बात बोली गई है। फिर जो अमाउंट आया, ये मेरा ए वाला अमाउंट आया, इस ए वाले अमाउंट को मान लो इनकी पेड अप कैपिटल जो है वो है प्रेफरेंस शेयर्स की है 5 रुपये और इक्विटी की है 3 लाख रुपये, ये 5 लाख रुपये, ये 3 लाख रुपये, मैंने इसका रेशियो ले लिया 5:3, तो इसको मैं 5:3 में करूँगी, और बी वाले को मैं 3:8 में, सॉरी 8 आ जाएगा ना, ठीक है। अब जो वैल्यू आई, मान लो इसकी सी आई, इसकी डी आई, इन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू को मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगी। अब नंबर ऑफ इस वाले को तो मैं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, क्योंकि मेरे प्रेफरेंस शेयर्स हैं और ये मेरे इक्विटी वाले हैं, ठीक है, तो इस वाले को तो मैं इक्विटी के नंबर ऑफ शेयर से और इसको मैं प्रेफरेंस के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगी, इससे क्या निकल आएगा, वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर्स, और इस वाले से वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। अब अगर प्रेफरेंस शेयर्स की कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है,
ऑफ टेकिंग कैपिटल और डिविडेंड, कि वो कैपिटल ले या डिविडेंड ले उसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है दोनों केस की। तो इस केस में क्या होगा, जितनी भी नेट एसेट है उसको डिवाइड कर देंगे प्रेफरेंस और इक्विटी की पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। और फिर जो भी अमाउंट अवेलेबल होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, तो अमाउंट कितना निकल कर आ जाएगा, जो भी निकल कर आएगा वो वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर निकल कर आएगी। लेकिन अगर हम इक्विटी की बात कहें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से करेंगे तो वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे देन वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर इज टू बी असर्टेन्ड, ठीक है, वो निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।